सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। सरल व्यक्ति के साथ किया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती हो सीने में। आज का पंचांग 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 9:08 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र रात्रि 1:13 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:11 से 1:36 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, आपको अपने दादाजी जैसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है। अपने मनोरंजन के स्रोत खोजें ताकि जुए या पैसे बर्बाद करने से बच सकें। आप अभी रचनात्मक महसूस कर रहे हैं, अगर मौका मिले तो प्राकृतिक में बाहर निकलें और अपनी आध्यात्मिक साइट से जुड़ें। आज के दिन की शुरुआत शांति से होगी। गुप्त बैठकों, अज्ञात गठबंधन और शांतिपूर्ण बातों की भी संभावना है। गतिविधियों और सामाजिकरण के बावजूद आपका मूड बिगड़ा हुआ रह सकता है। गाड़ी धीरे चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। ध्यान रहे कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोने से कम नहीं है। आज ऑनलाइन शॉपिंग और मस्ती भरे क्रियाकलापों में समय व्यतीत होगा। रचनात्मक संबंधित कार्यों में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से बहुत अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगी। आज आने वाली परिस्थितियों में सबसे ज्यादा आप खुद प्रॉब्लम को सुलझाने में दें। आर्थिक स्थिति ठीक रहने पर ध्यान देना होगा। मित्रों द्वारा मिल रहा सहयोग विश्वास कायम रखेगा। युवाओं को खुद को साबित करने के लिए और मेहनत लेनी होगी। मेडिटेशन द्वारा फोकस बढ़ेगा। सावधानियां, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना अति आवश्यक है, अन्यथा लापरवाही की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। बच्चों की गतिविधियों तथा दोस्तों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। रिश्ते में जरूरत पड़े तो डिप्लोमेट होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिश्ते न केवल जुड़ते हैं बल्कि मजबूत भी होते हैं। दिल के अचानक टूटने से आप निराश होंगे, लेकिन आपके आकर्षण से कोई खास आपसे प्रभावित हो सकता है। कभी कभी स्वप्न की दुनिया में रहना स्वर्ग जैसा एहसास दिलाता है। इतने दिन वैसे रहने के बाद अब आप शांति चाहते हैं। यह अवधि आप दोनों को और भी नजदीक ले आएगी, क्योंकि शांति प्यार की ही भाषा है। आपका साथी समय और निकटता की मांग कर सकता है, क्योंकि आप उसे वक्त नहीं दे पा रहे हैं। कुछ नए रिश्ते बनने और पुराने रिश्तों के रंगीन होने की आवश्यकता है। बात करते हैं करियर की। अपने कौशल और मेहनत पर विश्वास रखें व नए अवसरों का पूरा फायदा उठाएं। जहां जरूरत पड़े वहां डिप्लोमेट बनने से भी पीछे ना हटें। अपनी क्षमता का सही मूल्यांकन करना सफलता प्रदान करता है। जबकि लॉटरी, स्टॉक्स या जुआ आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं।
आप अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। अधिक बात करने व बहस से बचें और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कार की जगह आज पैदल चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की बात करते हैं, आज आपको अपनी आँखों को आराम देना होगा क्योंकि ज़्यादा देर तक टीवी या कंप्यूटर पर बैठने से आंखें खराब हो जाती हैं। आज आँख में दर्द हो सकता है, इसीलिए तनाव को कम करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप समय समय पर अपनी आँखों को आराम दें। स्क्रीन पर काम करते समय कुछ देर के लिए आराम किया करें या फिर जिस स्क्रीन पर आप काम कर रहे हैं उसे बदल लें। आज का उपाय, आज आप लक्ष्मी माता जी को कमल के फूल अर्पित शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।